हेलो गाइज, तो आज मैं आप लोगों के लिए के आ गया हूँ हाफ ईयरली एग्जाम क्लास इलेवेंथ का कक्षा दसवीं का विषय सामाजिक विज्ञान का एकदम रियल पेपर, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और आप लोगों का पेपर परीक्षा में यही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यही बिल्कुल, इसमें आप लोगों को कुल पूर्णांक है 80 और प्रश्न है 23, घंटा है 3। ये आप लोगों को कुछ नए रेस दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भरोसा नहीं है तो हमारे अन्य वीडियो देख लें, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी आईडी है हिमांशु रजक 338, ठीक है ना। ठीक है, वहाँ फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अपन वीडियो। पहला सही विकल्प, चलिए इसमें आप लोगों को 6 प्रश्न आएंगे। यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात कहलाने वाला राज्य रीढ़ के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, कोपरा से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थानों से क्या करना है, पूर्ति करना है। तो संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम राज्य में लागू किया गया, इसमें आप लोगों को 7 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। फिर है आप लोगों का हथियारबंद आदिवासी संघर्ष में समाप्त हुआ, किस संघर्ष में समाप्त हुआ बताना है। BMI का मानक है, मापक है। राइट टू इंफॉर्मेशन कानून भारत में कब लागू हुआ, यह आप लोग को बताना है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया, कितनी भाषाओं को रखा गया बताना है आप लोगों को। मैग्नेट लौह अयस्क में लोहांश प्रतिशत होता है। यंग रूप में यंग यूरोप की स्थापना किस में हुई थी, कहाँ हुई थी बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। बताते हैं अब हम आप लोगों को अगला प्रश्न। अगला आप लोगों का सही जोड़ी बनाइए खंड ए और खंड बी में, ठीक है। आप लोगों को सही जोड़ी बनाना है, ठीक है ना। पहला जेम्स हरग्रीव्स, तो इसमें क्या टॉपी स्मिथ इसके सामने। सिटी फोर्ट एरिया का क्या होगा आप लोगों को बतानी है, 6 का आप लोग को आएगा। एको अमेरिकी में क्या हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी में और गेम बेल्ट मूवमेंट में, ये सब में क्या हो जाएगा बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। यह आप लोगों का एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। कब और कहाँ हुआ। किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं करना क्या कहलाता है। अगला 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मान्यता प्राप्त दल का नाम क्या है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र का विभाजन का आधार क्या है। सन 1823 में फ्रांस से लौटते हुए नेपोलियन किस रूप में दर्शाया गया। 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका के सबसे बड़े उपनिवेशक क्षेत्र का नाम बताइए। 1764 में कतई प्रक्रिया में उपयोगी मशीन है, इसमें आप लोगों को 70 बताना है, ठीक है ना। 6 आएंगे, ठीक है। अंडमिनी टेले जाति प्राकृतिक व भौगोलिक सीमाओं के सामान्य क्षेत्रों में पाई जाती है। सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात से 173 गांवों व इतने 9490 कस्बे लाभान्वित हुए। ब्रिटेन में भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने कर लागू किया। देश में सरकार विरोधी समूहों को हिंसक लड़ाई युद्ध के सामने स्थित शीत युद्ध कहलाती है, बताना है सत्य है या असत्य, ठीक है। अगला आप लोग का जन संघर्ष को लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन कहा जाता है बताना है, कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है बताना है कि सही गलत। अगला ह्यूमस क्या है या फिर अथवा है मृदा संरक्षण के दो उपाय लिखिए। UNCED से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए या नवीकरण व नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं इसे लिख लें। सुभेद्य जातियों से क्या से है प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की दो विशेषताएँ लिखिए। वन्य जीव संरक्षण के दो उपाय बताइए। जैव विविधता को कम करने वाले कारणों मुख्य कारणों को बताएं। तो गाइस फाइनली मैं आपको यहीं तक बता पा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर कर दें ताकि
और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। पार्ट टू के लिए आप लोग कमेंट करेंगे तभी पार्ट टू आ पाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।